Hey everyone, so welcome back to the next video. And in this video we are going to talk about MongoDB. कि MongoDB क्या है, वो कैसे काम करता है और क्या क्या उसमें कमांड्स होते हैं और वो सब चीज़ें क्या होती हैं. तो लेट स्टार्ट आर दिस वीडियो अबाउट MongoDB. तो कुछ टर्म्स हैं, पहले लेट्स टॉक अबाउट सम टर्म्स बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ताकि आप जब आप आगे काम करें तब आपको दिक्कत ना हो टर्म्स के बारे में जब ये आप आगे टर्म्स सुने. तो पहला MongoDB क्या, तो बेसिकली MongoDB इज अ डाटाबेस दैट वी आर गोइंग टू यूज दैट वी यूज इन आर मर्न, लाइक एम स्टैंड्स फॉर MongoDB. सो इट्स अ डाटाबेस वेयर आर डाटा इज स्टोर्ड. ठीक है, तो तब जो मेन खासियत है MongoDB की वो ये है कि इट स्टोर्स जेसन लाइक डाटा. नाउ जेसन आपको मैंने बता ही दिया है शुरुआत में कि जेसन क्या होता है. जेसन इज अ ऑब्जेक्ट इन अ की वैल्यू पेयर. कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे की वैल्यू पेयर. अब इस की वैल्यू में कुछ हो सकता है, जैसे की ये नंबर हो सकता है, एरे हो सकता है, कि जैसे एरे हो गया या ये स्ट्रिंग हो गया या ये नाम नेम हो, कुछ भी हो गया, नंबर हो गया, कुछ भी हो गया. तो इन अ की वैल्यू पेयर बेसिकली मेन चीज़ है वो की वैल्यू पेयर. और SQL में क्या होता था, SQL में होता था इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स होता था. तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट हैज़ इट स्टोर्स डाटा इन द ऑब्जेक्ट इन द जेसन स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं जेसन. तो जस्ट बिकॉज इट स्टोर्स डाटा इन जेसन स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द कमांड्स ऑन इट, रिट्रीविंग द डाटा और सब कुछ, फेचिंग द डाटा और भी सारे कमांड्स यूज़ करने के लिए. तो जेसन लाइक डाटा, लेकिन इसमें अगर आप गूगल पर डालेंगे MongoDB की डेफिनेशन तो उसमें एक ये आएगा जेसन लाइक डाटा, नॉट जेसन लाइक. तो जेसन लाइक क्यों लिखा है, बेसिकली बिहाइंड द सीन्स इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो होता है बेसन. तो जैसे जेसन है ऐसे होता है एक बेसन, BSN. तो बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी. ठीक है, तो बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी. तो वो बेसन में होता है, तो बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी. बेसिकली जेसन लाइक मतलब होता जेसन ही है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो इस की वैल्यू पेयर में भी ना वो बाइनरी में स्टोर होता है, मतलब जीरो इन द फॉर्म ऑफ 0-1 फॉर्मेट. फिर वो कन्वर्ट होता है जेसन के अंदर और फिर वो MongoDB पे स्टोर होता है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल जेसन लाइक डाटा, जेसन नहीं जेसन लाइक डाटा. तो ये MongoDB के बारे में हो गया. सेकंड आता है अबाउट मोंगो शेल. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टर्म, मोंगो शेल. तो बेसिकली जैसे हम SQL में हमारा SQL होता था, शेल होता था, जिसमें अपने कमांड्स लिखते थे अबाउट क्रड ऑपरेशंस, कि डाटाबेस में कैसे हम क्रिएट करें, उस पर से कैसे रिट्रीव करें, फिल्टर करें डाटा, कैसे डिलीट करें. तो उसके होते थे ना कमांड्स होते थे, ऐसे हम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोंगो शेल. तो मोंगो शेल बेसिकली मोंगो का एक कमांड प्रॉम्प्ट समझ लीजिए, जहाँ पे हम अपने सारे वो कमांड्स लिखते हैं. तो मोंगो शेल इज जस्ट सिंपली वो हो जाता है. इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि CMD में जाके हमें सिर्फ अपना मोंगो लिखना होता है, टाइप मोंगो एंड देन योर मोंगो शेल विल बी स्टार्ट. तो उसमें हम अपने सारे कमांड्स लिख सकते हैं अबाउट क्रिएट, रीड, इंसर्ट, जो भी हमारा क्रड ऑपरेशन होते हैं अपने डाटाबेस पे करने के लिए. थर्ड, मोंगो कंपास. ठीक है, अब अगर उसको हमें GUI में करना है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो वो प्रोवाइड करवाता है हमें मोंगो कंपास, जहाँ पे हमें अपना डाटा दिखता है, जहाँ से भी हम अपने डाटा में क्रड ऑपरेशन कर सकते हैं, वहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं. बेसिकली उसमें फिर हमें कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो पूरा एक GUI प्रोवाइड करवाता है जहाँ से हम अपना क्रिएट, रीड और डिलीट कर सकते हैं. तो मोंगो कंपास वो GUI है मोंगो शेल का, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए. उसमें फिर हमें कमांड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो भी हम आगे देखेंगे, अभी काम करेंगे तो उसमें भी आपको पूरा अच्छी समझ आ जाएगा. मोंगूस इज़ नथिंग, मोंगूस इज़ अ लाइब्रेरी. ठीक है, एंड वी यूज़ दिस लाइब्रेरी टू कनेक्ट आर MongoDB, टू रन आर MongoDB इन आर Node.js एनवायरमेंट. ये जो हमें Node.js का एनवायरमेंट है, जैसे हमने एक्सप्रेस यूज़ करा था, ऐसे मोंगूस करके हमें लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम अपने MongoDB के कमांड्स और जो भी हम अपनी फंक्शनैलिटी MongoDB का यूज़ कर पाएंगे Node.js के अंदर. तो बेसिकली मोंगूस एक लाइब्रेरी है. तो आई होप आपको ये चारों टर्म समझ आ गई होंगी. अब देखते हैं कमांड्स के ऊपर कौन से कमांड्स हैं जो MongoDB में हम यूज़ करते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट सम कमांड्स इन MongoDB. जैसे हम अपने SQL में कमांड्स लिखते थे टू डील विद आर डाटा, ऐसे हम MongoDB में कमांड्स लिखते हैं MongoShell जो कि एक MongoDB का कमांड प्रॉम्प्ट है, उसमें हम अपने कमांड्स लिखते हैं ताकि हम अपने डाटा से डील कर सकें. बेसिकली क्रड ऑपरेशंस लिखते हैं. तो पहला कमांड show DBMS क्या, कि जितने भी आपके डाटाबेस प्रेजेंट होंगे आपके MongoDB के अंदर वो सारे शो हो जाएंगे. और इसमें से तीन डिफ़ॉल्ट डाटाबेस होते हैं, कॉन्फिग, एडमिन और लोकल. तो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट डाटाबेस होते हैं कि जो कि
आपके MongoDB में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आपने इनके अलावा कोई डाटाबेस क्रिएट करा है तो आपके show DBMS में वो भी आ जाएगा साथ में। फिर शो कलेक्शंस, कलेक्शंस क्या होते हैं? कलेक्शंस इज अ ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट क्या होता है? एज्यूम डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक डॉक्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट का ग्रुप खुद बोलते हैं कलेक्शन। तो जैसे अगर ये एक डॉक्यूमेंट है, फिर ये एक डॉक्यूमेंट है, फिर ये एक डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक जो एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इन सब का, इन डॉक्यूमेंट्स का ग्रुप बोलते हैं हम कलेक्शंस। तो जैसे ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, ये एक डॉक्यूमेंट हो गया, ये सिंगल सिंगल डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन मतलब ग्रुप हम बोलते हैं कलेक्शंस। तो कलेक्शंस वो हो गया, तो बेसिकली कलेक्शंस हो गया। थर्ड कमांड हमारा यूज़ DBMS, मतलब यूज़ जो भी आपने क्रिएट डाटाबेस करा होगा और उसको हमें यूज़ करना है। तो जैसे मैंने अगर एक कोई कॉलेज नाम का डाटाबेस क्रिएट करा है तो मुझे उसको भी यूज़ करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे यूज़ कॉलेज, और उसके बाद फिर मैं अपने सारे क्रेड ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा उसके ऊपर। इसमें खासियत बात ये भी है कि नाउ यू डोंट हैव टू क्रिएट डाटाबेस फर्स्ट एंड देन यूज़ इट। लाइक आप सिर्फ इसी कमांड से, जैसे मैंने अगर अभी तक मैंने डाटाबेस कोई क्रिएट नहीं करा है कॉलेज नाम से, तो बस मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़ कॉलेज, तो वो पहले कॉलेज नाम का डाटाबेस क्रिएट भी करेगा और उसके बाद फिर उसको यूज़ भी कर लेगा। तो इसमें ये मतलब इसमें झंझट नहीं है कि पहले आपको क्रिएट करना है उसके बाद आपको यूज़ करना है। विद ओनली वन कमांड वी कैन क्रिएट एंड यूज़ इट साइमल्टेनियसली। तो लेट्स डिस्कस हाउ टू यूज़ क्रेड ऑपरेशंस कि MongoDB में बेसिकली हम मोंगो शेल में कैसे अपने क्रेड ऑपरेशंस का यूज़ करके अपने डाटा के साथ डील करते हैं। तो अगर हमें क्रिएट करना है, पहला अपना डाटाबेस में क्रिएट करना है अपना यूज़र या जो भी डाटा, तो DB जो कि हमारा डाटाबेस है, फिर डॉट स्टूडेंट्स मतलब जो भी इसका कलेक्शंस है, जो हमने कलेक्शन बनाया है उस डाटाबेस के अंदर, तो फिर डॉट इंसर्ट वन, तो मेन कमांड डॉट इंसर्ट वन है। इंसर्ट वन के बाद फिर पैरेंथेसिस में हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे, क्योंकि जेसन ऑब्जेक्ट मतलब ये जेसन है जो कि हमने जेसन पास करी है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जेसन में स्टोर होती है। तो ऑब्जेक्ट फिर जेसन में हमने इसको पास करा है, जैसे नेम हमने कुछ भी कर दिया, कुछ भी डाल दिया हमने इसके अंदर, तो ये इंसर्ट वन हो गया। अब किसी इंसर्ट वन है ऐसे यहाँ पे होता है इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी में करके फिर आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे जाता है मैनी, और फिर यहाँ पे आप साथ मतलब एक बार में कितने भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो इंसर्ट वन में सिर्फ एक और इंसर्ट मैनी में ये हो गया। तो हमने सीख लिया कैसे हम क्रिएट करते हैं। अब जो हमने क्रिएट करा है उसको हम रीड कैसे करेंगे, तो db.students ये हो गया डाटाबेस, ये हो गया कलेक्शंस, और फिर ये हमारा फाइंड करके, फाइंड में हम जो भी की होगी, जैसे अगर नेम मैंने कहा है नेम इक्वल टू अक्षर, तो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा अगर हमें फाइंड करना है उसमें से, अगर हमने क्रिएट करने के बाद उसको हमें फाइंड करना है तो नेम और फिर नेम और अक्षर, तो वो नेम आ जाएगा। तो फाइंड का ये हो गया। अब डॉट लिमिट क्या हो गया? अगर एज्यूम कि मेरे नाम से 4-5 रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, कि नेम अक्षर जैन के नाम से 4-5 रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, तो लिमिट अगर यहाँ पे मैं 1 करूँगा तो जो भी पहला रिकॉर्ड होगा सबसे पहला वाला वो आ जाएगा। मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो 2 मतलब ऐसे 2 आ जाएंगे शुरुआत के। तो ये लिमिट का इसलिए यूज़ होते हैं। तो हमने क्रिएट कर लिया, हमने रीड कर लिया, अब हम बात करते हैं अपडेट की कि अपडेट कैसे करेंगे। तो db.students.update मेन फंक्शन अपडेट 1 करेंगे, तो ये अपडेट 1, और यहाँ पे हम पास करते हैं दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो हमें चेंज करना है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमें क्या चेंज करना है। तो एज्यूम कि हमें यहाँ पे चेंज करना है अपना नाम, तो मैं यहाँ पे की वैल्यू फॉर्मेट में अपना भेजूंगा कि मुझे को नेम अक्षत के नाम से चेंज करना है, वाला वैल्यू चेंज करनी है मेरे को, और मैं यहाँ पे फिर वो डालूंगा जो मेरे को चेंज करनी है। फिर हम बात करते हैं डिलीट की, तो ये हमें क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट हो गया, तो हम चेंज करेंगे। फिर दूसरे वाले में हम क्या हमें चेंज करना है, तो हम यहाँ पे हम उसको डाल देंगे की वैल्यू पेयर में कि हमें चेंज करना है। हम बात करते हैं डिलीट की, तो डिलीट में हम सिंपल कमांड लिखेंगे। डिलीट का सबसे सिंपल होता है कि डिलीट में सिंपल वही db.student और डिलीट 1 करके हम अपना जो भी डाल देंगे, जो भी हमें कमांड डिलीट करना है। अगर ये खाली रहता है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये एम्प्टी रहता है तो पूरा कलेक्शन डिलीट कर देगा, जितने भी आपने रिकॉर्ड्स बनाए होंगे पूरा डिलीट कर देगा। लेकिन आपको अगर कोई पर्टिकुलर डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको जेसन फॉर्मेट में अपने उस की वैल्यू पेयर को डाल देना है, तो वो डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने अपना क्रेड देख लिया है, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट देख लिया है हमने, जो कि हम अपने मोंगो शेल में यूज़ करते हैं टू डील विद द डाटा। हम बात करते हैं कैसे अपने कनेक्ट करेंगे MongoDB Node.js के अंदर। तो जो कि मैंने पहले बताया था कि मोंगो एक हमें लाइब्रेरी चाहिए होती है मोंगोस, जिसका हम यूज़ करके अपने Node.js में कनेक्ट करते हैं। तो हम वो पहले इंस्टॉल करेंगे यूजिंग npm i mongoose,
उसके बाद जैसे हम सेम अपने एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं कि पहले हम एक्सप्रेस को लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाते हैं, फिर उसको हम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस करके रिक्वायर एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे हम इसमें करेंगे। मोंगूज हमने कर लिया, फिर हम मोंगूज करके रिक्वायर मोंगूज करेंगे ताकि हम उस मोंगूज लाइब्रेरी को अपने नोड जेएस के एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकें। फिर मोंगूज सिंपल कमांड, जैसे हमने एक्सप्रेस में करा था कि एक्सप्रेस करने के बाद फिर हमने एक्सप्रेस को यूज़ करा था, सर्वर अपना बनाया था, ऐसी सिंपल मोंगूज डॉट कनेक्ट करके अपना यूआरएल डालेंगे। कौन सा यूआरएल? जो हमारा मोंगो कंपास पे जहाँ पे हमारा डाटाबेस स्टोर है तो उसका भी एक यूआर होता है पर्टिकुलर। बेसिकली बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी का जो डिफॉल्ट होता है वो होता है 27017। तो जो भी यूआरएल होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे जहाँ पे जिस से हमारा मोंगोडीबी कनेक्ट होगा, जहाँ पे हमारे मोंगोडीबी के डाटाबेस सारे प्रेजेंट है उस यूआरएल को डालेंगे। बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है बेसिकली वो लोकल होस्ट का होता है 27017, तो वो हम डालेंगे। उसके बाद कनेक्ट करने के बाद ये डॉट मतलब बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगा डॉट देन, और अगर अगर इसने सही कनेक्ट होने के बाद अगर ये सही से सक्सेसफुल हो गया कनेक्ट तो उसके बाद डॉट देन में ये सक्सेसफुल रिटर्न कर देगा कि हाँ कनेक्टेड हो गया है, और अगर नहीं हुआ है तो डॉट कैच में एरर रिटर्न कर देगा। बेसिकली ये सिंपल प्रॉमिस है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट करी होगी तो ये सिंपल प्रॉमिस है डॉट देन डॉट कैच। तो ये कनेक्ट हो चुका है, अब इतना करने के बाद हमारा मोंगूज कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम ये करने के बाद हम नोड करेंगे index.js, तो उसके बाद हमारा जो कंसोल नीचे आउटपुट में टर्मिनल में आ जाएगा कि योर MongoDB इज़ कनेक्टेड। तो ये तीन स्टेप मतलब मेन है MongoDB कनेक्ट करने के। उसके बाद अब थोड़ा डिफरेंट होता है, बेसिकली मॉडल और स्कीमा ये दो चीज़ समझने की चीज़ें हैं जो कि हम आगे अपने प्रोजेक्ट जब हम बनाएंगे उसमें हम देख लेंगे कि ये चीज़ काम कैसे कर रही है, मतलब क्या मतलब है इनका। लेकिन अभी थ्योरी में समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, मॉडल और स्कीमा, व्हेन वी क्रिएट आर MongoDB इन Node.js। तो कनेक्ट आर MongoDB इन Node.js, तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा तो सिंपल जानते हो कि जो भी आपका डाटा जो आप सेव करोगे वो कौन से फॉर्मेट में होगा। सोचिए कि अगर आपने कॉलेज का डाटा स्ट्रिंग, मैंने एक यूज़र का डाटा स्टोर करा है तो उसमें नेम होगा जो कि स्ट्रिंग होगी, उसका एज होगा जो कि नंबर होगा, फिर क्या वो मेल है तो वो मेल मतलब मेल फीमेल तो वो बेसिकली स्ट्रिंग नंबर हो गया, ईमेल हो गया, तो वो सारा डाटा पहले भी हम एक स्कीमा में स्टोर करेंगे कि एक नेम होगा उस यूज़र का जो कि स्ट्रिंग होगा, नंबर होगा जो कि एक इंट में होगा, ठीक है, ऐसे एक एरे होगी जिसमें उसके सारे डिटेल्स और फॉरवर्ड सेव हो रखी होंगी। तो उसका पहले हम स्कीमा क्रिएट करेंगे ताकि वो स्कीमा क्रिएट हो जाए हमारे MongoDB के अंदर। फिर उस यूजिंग दैट स्कीमा वी क्रिएट अ मॉडल, फिर उस मॉडल को हम यूज़ करके अपने सारे कमांड्स, उस मॉडल को यूज़ करके हम अपने सारे कमांड्स यूज़ कर सकेंगे, जो भी हमने कमांड देखे थे ना अभी सारे कमांड्स क्रिएट ऑपरेशंस के, हम यूजिंग दैट मॉडल वी कैन इजीली यूज़ दैट ऑल दैट कमांड्स। तो अगर ये समझ में नहीं आया तो इतना समझ लो कि हमें स्कीमा पहले क्रिएट करना पड़ता है कि हमारा MongoDB में कैसा स्ट्रक्चर होगा, बेसिकली हमारा डाटा कौन सा क्या होगा डाटा और वो किस फॉर्मेट में होगा, उसका फिर हम मॉडल में उसका मॉडल बनाते हैं ताकि हम अपने सारे कमांड्स यूज़ कर सकें अपने Node.js के एनवायरनमेंट के अंदर। तो उसका हम मॉडल बनाते हैं और फिर उसके बाद हम अपने सारे वही क्रेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं आराम से। तो आई होप दिस इज़ ऑल अबाउट दी MongoDB वीडियो। इसमें हमने देखा टर्म्स MongoDB क्या होता है, MongoDB शेल कंपास वो सब क्या होते हैं, फिर हमने MongoDB के कमांड्स देखे कुछ जिसमें शो DBS कलेक्शंस और ये सब क्या होते हैं, सारे हमने क्रेड ऑपरेशंस देखे, और उसके बाद फिर हमने अपना कैसे कनेक्ट करते हैं MongoDB Node.js के अंदर हमने ये भी देख लिया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ये एंड हो चुका है थ्योरी में, अगर देखा जाए तो सब कुछ मैंने बता दिया है। अब हम नेक्स्ट जो दो वीडियो आएंगे, तीन वीडियो आएंगे, उसमें हम अपना फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे। टिल देन गुड बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।